हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंजंक्शन से संबंधित एक्सरसाइज हल करेंगे। ऐसे एक्सरसाइज जिसके प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए टू फिल अप इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्थान में भरने के लिए, जो वाक्य दिए गए उनके खाली स्थान में भरने के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल अप इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्थान में भरने के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, अपनी जूनियर को कृपया मत जाइए, आई रिटर्न, मैं लौटता हूँ। वैन का मतलब जब, टिल का मतलब तब, विकास क्योंकि, वाइल का मतलब जब तक। हिंदी बैठा लीजिए, क्या बैठेगा? प्लीज डू नॉट गो, कृपया मत जाइए जब तक मैं लौटू, आई रिटर्न। बी हो जाएगा टिल, उत्तर हो जाएगा बी टिल, टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक मत जाइए। नंबर दो, ही वॉज डूइंग दी वर्क, वह कार्य कर रहा था। हिज फ्रेंड वॉज रेस्टिंग, उसका मित्र आराम। बिफोर पहल, विकास क्योंकि, टिल तक, वाइल जबकि। अर्थ बताइए, जब वह कार्य कर रहा था उसका मित्र आराम कर रहा था, वाइल जबकि, उत्तर हो जाएगा डी वाइल, वाइल ही वाज वर्किंग, जिस समय वह काम कर रहा था, वाइल ही वर्क। नंबर तीन, आई कुड नॉट सी हिम, मैं उससे मिल नहीं सका, मैं उसे देख नहीं सका। इट वॉज डार्क देयर, इसलिए वहां अंधेरा था, क्योंकि वहां अंधेरा था। बिकॉज बट टिल बिफोर, क्या हो जाएगा? मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि वहां अंधेरा था। बिकॉज ए, उत्तर हो जाएगा ए। नंबर चार, आई हैड रिसीव्ड ए लेटर, यूके, पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन है, तुम्हारे आने के पहले ही मैं पत्र प्राप्त कर चुका था। इफ वेन बिफोर आफ्टर, सी उत्तर हो जाएगा बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले। वर्क हार्ड यू विल फेल, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अन्यथा की अंग्रेजी बी में है अदरवाइज, एंड अदरवाइज बट इफ, अदरवाइज भर देंगे भी, वर्क हार्ड अदरवाइज, अन्यथा यू विल फेल। आई एम पुअर, आई विल नॉट बोरो, मैं गरीब हूं, मैं उधार नहीं लूंगा, एंड अदरवाइज बट, सो बट डाल देंगे। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं लेकिन मैं उधार नहीं लूंगा, बट आई विल नॉट बोरो। नंबर सात, माउंट एवरेस्ट इज हायर, माउंट एवरेस्ट अधिक ऊंचा है देन एनी अदर पीक, देन डी उत्तर हो जाएगा, फ्रॉम ऑफ विथ दैन डीपर दैन, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज हायर दैन एनी अदर पीक, माउंट एवरेस्ट किसी भी दूसरी चोटी से अधिक ऊंचा है। नंबर आठ, डू यू लाइक दैट एज विच, बैठेगा क्या, करो जो चाहते हो तो एज, जैसा चाहते हो एज यू लाइक, बी उत्तर हो जाएगा बी एज। नंबर नौ, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने के मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, बी उत्तर हो जाएगा सी आफ्टर, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। नंबर दस, He is contented, वह संतुष्ट है। He is poor, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि अंग्रेजी ए दो, ये हो जाएगा He is contented, दो He is poor, वह संतुष्ट है यद्यपि वह गरीब है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर चार, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे के वाक्य में उपयुक्त कंजंक्शन भर दीजिए। ही कैन रीड राइट, वह लिख और पढ़ सकता है, एंड भर देंगे, ही कैन रीड एंड राइट, वह लिख और पढ़ सकता है।
नंबर टू माय ब्रदर राइट्स इंग्लिश वेल, मेरा भाई। देखिए सबसे पहले अर्थ बैठाते हैं, उसमें कौन सा कंजंक्शन सेट करेगा। माय ब्रदर राइट्स इंग्लिश वेल, मेरा भाई अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलता है। ही कैन नॉट स्पीक वेल, वह अच्छी तरह से बोल नहीं सकता। दोनों विरोधी बातें हैं तो बट एट स्टिल लगा देंगे तो यहां हो जाएगा बट। माय ब्रदर राइट्स इंग्लिश वेल बट ही कैन नॉट स्पीक वेल। नंबर तीन, द फार्मर्स रिटर्न्ड होम, किसान घर लौट गए। द फार्मर्स रिटर्न्ड होम, किसान घर लौट गए। द सन हैड सेट आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के डूब जाने के बाद किसान घर लौट गए। गीता इस्टर हर मदर, गीता अपनी माँ से लंबी है, दैन दैन भर देंगे, गीता इस्टर दैन हर मदर। नंबर पांच, आई हैड रीच्ड, मैं पहुंच चुका था द स्टेशन। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी के पहुंचने के पहले। पास्ट परफेक्ट के ट्रांसलेशन में आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। नंबर छह, माय फ्रेंड ट्राइड हिज बेस्ट, मेरे मित्र ने भरपूर कोशिश की। बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। माई फ्रेंड ट्राइड हिज बेस्ट, मेरे मित्र ने भरपूर प्रयास किया। बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, छठे में बट भर देंगे। नंबर सात, ही स्टार्टेड अर्ली, वह तड़के ही शुरू किया। ही माइट नॉट बी लेट, सो दैट, ताकि ही माइट नॉट बी लेट, ताकि उसे देर न हो सके। नंबर आठ, यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते। अनलेस यू वर्क हार्ड, नेगेटिव, अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। नंबर नौ, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया था। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मर जाने के बाद। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। नौ में आफ्टर। नंबर दस, आई मिस्ड द बस, मैंने मिस बस खो दिया। सो आई वॉज लेट फॉर द स्कूल, इसीलिए मुझे विद्यालय के लिए देर हो गई। सो आई वॉज लेट फॉर द स्कूल। नंबर ग्यारह, आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। आज द डे आफ्टर अथवा परसों। आई शैल सी यू टुमारो, आर भर देंगे, आर द डे आफ्टर। नंबर बारह, मेक हेस्ट, जल्दी करो। आर अथवा या अदरवाइज अथवा, वी शैल मिस द ट्रेन, आर भी सही है अदरवाइज भी सही है। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, या मेक हेस्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन। इस तरह से देख रहे हैं कि पहले अर्थ बैठा लेते हैं और फिर देखते हैं वहां कौन सा कंजंक्शन सेट करेगा, उसी के अनुसार भर देते हैं। थैंक यू।